हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। 16 दिसंबर 2012 को हुई उस घटना के बाद सारा देश सड़कों पर उतरा, अनशन किया, लाठियां खाई। देश की उस बेटी के लिए उसकी मां लड़ती रही और आज 7 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय की जीत हुई है। जी हां, निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों पवन, अक्षय, मुकेश और विनय को शुक्रवार सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई है। चारों दोषियों को फांसी मिलने पर बॉलीवुड सेलेब्स भी खुश हुए हैं। सभी स्टार्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। देखिए जरा ये ट्वीट। सुष्मिता सेन ने ट्वीट करते हुए लिखा, मां के धैर्य और सहन शक्ति को इंसाफ मिल गया है, आखिरकार न्याय हुआ। वहीं रितेश देशमुख ने भी ट्वीट करके निर्भया के गुनहगारों को फांसी मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट में लिखा है, निर्भया के माता पिता उनके दोस्तों के साथ मेरी संवेदना है, समय जरूर लगा लेकिन न्याय हुआ है। बेबाकी से अपनी बात रखने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी इस मामले पर अपनी राय रखते हुए लिखा कि अब निर्भया की मां और उनका परिवार चैन की नींद सो पाएगा, ये काफी लंबी और संघर्षपूर्ण लड़ाई रही है। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा ने भी इस पर ट्वीट किया है, अगर 2012 में निर्भया के बलात्कारियों को फांसी दे दी जाती तो न्यायिक व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोक देती, कानून के डर ने कानून को ताक पर न रख दिया होता, निवारण हमेशा इलाज से बेहतर है, ये समय है कि न्याय व्यवस्था सुधारने के प्रति कदम उठाए जाए। दोषियों के फांसी के फंदे पर लटकाए जाने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने भी अपने बयान में कहा कि आज उन्हें इंसाफ मिला है लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 मार्च का दिन निर्भया के नाम देश की बेटियों के नाम पर याद रखा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं बल्कि जेल के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ ने भी दोषियों को फांसी दिए जाने पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया और निर्भया जिंदाबाद के नारे भी लगाए।